दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है दुनिया का किसी भी कंट्री का सीसीटीवी को आप लाइव देख पाएंगे, चाहे क्यों ना इंडिया कंट्री हो, चाहे क्यों ना बांग्लादेश कंट्री हो, चाहे अदर्स कंट्री का भी सीसीटीवी को आप लाइव देख पाएंगे। और इसके लिए आपको किसी भी तरह कंप्यूटर चाहे लैपटॉप का जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपका हाथ में जो इस टाइम मोबाइल है उस मोबाइल को यूज करके देख पाएगी। तो दोस्तों मैं हूं दीपंकर, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल डिसिडेंट। तो दोस्तों हमारा मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को लेके जाऊंगा एंड स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड इस चैनल पर आप नया वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो हम चलती है हमारा मोबाइल स्क्रीन पर। वेलकम बैक दोस्तों, हम आ चुका हूँ हमारा मोबाइल स्क्रीन पर। अगर अपना मोबाइल पर लाइव सीसीटीवी देखना चाहती है तो इसके लिए आपको छोटा सा एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगी। कौन सा एप्लीकेशन है, कहां से डाउनलोड करना है, सारे की सारे हम इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को उसके इंटरफेस जो है देखा देती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन हो जाने के बाद आपको सामने पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगी। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये पूरा लाइव सीसीटीवी कैमरा है और इसको आसानी से प्ले करके देख सकता है एंड लाइव चल रहा है। आप आसानी से डेट भी देख सकता है जो आज कौन सा डेट है एंड कितना टाइम है, जिस कंट्री का जो टाइम है उस कंट्री का टाइम यहाँ पर शो करेगी। ओके, तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो हम आप लोगों को एक लाइव सीसीटीवी कैमरा को यहाँ पर प्ले करके देखा देती है। पर्टिकुलर इंडिया का सीसीटीवी कैमरा को देखना चाहती है तो इसके लिए भी हम आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने किसी भी एक फुटेज को प्ले करके देखा देती है। यहाँ पर सारे की सारे आसानी से प्ले हो जाती है एंड इसके लिए आपको मोबाइल का इंटरनेट स्पीड का ऊपर डिपेंड करती है जो कितना अच्छा से प्ले होने के लिए। ओके, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये जो सीसीटीवी कैमरा है यहां पर लाइव चालू हो चुका है एंड यहां पर नीचे पर देख सकते हैं इसका जो डेट टाइम यहां पर देख सकते हैं। साइड पर जो रोड दिखाई दे रहा है यहां पर आप देख सकते हैं गाड़ी यहां पर चल रहा है एंड यहां पर देख सकते हैं जो पेड़ का जो पत्ता है यह भी यहां पर हिल रहा है। तो ये लाइव चालू हो चुका है यानी यहाँ पर नीचे पर देख सकते हैं इसका डेट, आज का जो डेट यहाँ पर है तो उस डेट यहाँ पर शो हो रहा है। ओके दोस्तों, चलिए अभी हमारा पार्टिकुलर किसी भी कंट्री का देखना चाहती है तो उसके लिए हम कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो तीन दागी वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर जो सर्च वाला जो ऑप्शन है इस सर्च पर क्लिक कर दीजिए। सर्च पर क्लिक कर देने के बाद आप किसी भी जगह को यहाँ पर सर्च कर सकता है एंड यहाँ पर देख सकता है सबसे पहले है HD वेबकैम एंड यहाँ पर लिखा है कैटेगरी एंड यहाँ पर लिखा है कंट्री एंड लोकल कैमरा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैटेगरी ऑप्शन है तो कैटेगरी पर हम क्लिक कर देती है। कैटेगरी पर क्लिक कर देने के बाद आपको सामने पर देख सकता है बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी मौजूद है एंड यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी है, जैसे कि एयरपोर्ट है, एनिमल्स है एंड सिटी है एंड कार वॉश है, कुछ इस टाइप का बहुत सारे कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर होटल्स भी है एंड आपका मन पसंद का हिसाब से आप किसी भी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी चलती है नेक्स्ट, हमारा जो कंट्री है तो उस कंट्री को यहाँ पर देख लेती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कंट्री तो इस कंट्री पर क्लिक कर दीजिए। इस कंट्री पर क्लिक कर देने के बाद आपको बहुत सारे कंट्री यहाँ पर दिखाई जाएगी। ओके, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारे कंट्री यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ से किसी भी कंट्री को चूज करके आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकती है एंड यहाँ पर अप्लाई वाला जो ऊपर पर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप आसानी से बांग्लादेश का जितना भी सीसीटीवी फुटेज है यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम प्ले करके देखा देती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइव जो सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर चालू हो चुका है एंड आज का जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, एंड जो टाइम है ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। आज 12 तारीख है तो यहाँ पर जो डेट एंड टाइम यहाँ पर देख सकता है। ओके दोस्तों, और लाइव चल रहा है ये भी आसानी से आप देख सकते हैं, बांग्लादेश का फुटेज है। ओके, एंड नीचे पर आपको नाम दिखाई देगी। तो चलिए हम बैक कर देती है, अभी इंडिया पर रहती है तो इंडिया को यहाँ से देख लेती है। ओके, जैसे कि फिर से हम जाऊंगा सर्च पर एंड यहाँ से हम कंट्री को सिलेक्ट करूंगा, जो इंडिया कंट्री है तो उस इंडिया को सिलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया कंट्री यहाँ पर आ चुका है, तो सिंपल से इस पर क्लिक कर देती है एंड यहाँ पर जो अप्लाई वाला जो ऑप्शन है इस अप्लाई पर क्लिक कर देती है एंड यहाँ पर देख सकता है जो न्यू दिल्ली, इंडिया चेन्नई एंड बहुत सारा सीसीटीवी फुटेज है यहाँ पर आसानी से देख सकता है।
ये देख सकते हैं इंडिया दिल्ली का है और इस सीसीटीवी फुटेज को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड है सामने पर, यहाँ पर कितना बाइक चाहे कार वगैरह यहाँ पर चल रहा है। इस एप्लीकेशन को यूज करके आसानी से आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, एंड यहाँ से आप कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एयरपोर्ट का जो फुटेज है हम देखना चाहती है, सिंपल से एयरपोर्ट सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जो जितना सारे जो लाइव फुटेज यहाँ पर दिखाई देगी तो सारी की सारी एयरपोर्ट का है, तो इसका अंदर से आप चाहे तो फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम एयरपोर्ट देखना चाहती है इंडिया की, तो यहाँ से फिर से आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना पड़ेगी एंड चाहे तो बांग्लादेश सिलेक्ट कर लेना पड़ेगी अगर उस जगह का पब्लिक सीसीटीवी को आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ओके दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर बैक चलती है। तो दोस्तों ये जितना सारे सीसीटीवी है ये सारी के सारे पब्लिक सीसीटीवी है, ये कोई पर्सनल सीसीटीवी नहीं है। अगर पर्सनल सीसीटीवी है ना, ये बाहर का किसी भी लोगों के साथ शेयर नहीं करती है। तो ये जितना सारे सीसीटीवी है पब्लिक सीसीटीवी है, आप आसानी से इसको फुटेज देख सकती है एंड किसी फुटेज का स्नैपशॉट लेना चाहती है तो यहाँ से आप ले सकती है। एंड यहाँ पर जिस फुटेज को आप देख रहे हैं तो उसका वेदर भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो वेदर वाला जो ऑप्शन है तो इस वेदर को यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आसानी से देख सकता है। ओके दोस्तों, हम उम्मीद करती हैं जो आपको आसानी से समझ में आ चुका है। तो अभी बात करती है इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का जो नाम है वेबकैम ऑनलाइन, जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकता है। ओके, एंड इस एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, इसीलिए आप गूगल पर सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप लोगों का सुविधा के लिए हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर इस एप्लीकेशन का लिंक हम डाल दिया है, जाके वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सिंपल सा इंस्टॉल करने के बाद और आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह का करना नहीं चाहिए, सिर्फ आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड सारे के सारे फुटेज आप आसानी से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम उम्मीद करती हूँ जो आपको इस वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो आप देखना चाहती है तो इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो हम फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, उसी टाइम के लिए बाय बाय।